तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं माना सब लोग को स्वागत करता हूँ नॉलेज किट के एक इलेक्ट्रिकल वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज मोटर को हम लोग सिंगल फेज में चलाएंगे। ठीक है, जो हम लोग का थ्री फेज मोटर होता है उसको हम लोग सिंगल फेज में रन करके कैसे रन करते हैं उसका कनेक्शन आज देखेंगे। तो टोटली दो टाइप में हम लोग रन करेंगे, एक हो गया आपका क्लॉक वाइज, ठीक है, और एक हो गया आपका एंटी क्लॉक वाइज। इसको फॉरवर्ड बोलते हैं और इसको रिवर्स। ठीक है, जो क्लॉकवाइज होता है वो फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो रिवर्स होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कहाँ में घूमेगा आपका? डेल्टा में क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, स्टार में होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग देखे होंगे जो थ्री फेज का मोटर टर्मिनल होता है, टर्मिनल पे आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये जो स्टार है इसको बुझा देता हूँ। ये जो स्टार है ये हो गया आपका स्टार का कनेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका U1 V1 W1। तो यहाँ पे टू होना है। ठीक है, मैं गलती से 1 लिख दिया, यहाँ पे टू होना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टार का कनेक्शन बॉक्स जो होता है यही है। ये हो गया आपका डेल्टा का। स्टार का क्या होता है, एक एंड पूरा शॉर्ट रहता है। ठीक है, जो कि ये एंड पूरा शॉर्ट है। ठीक है, और बाकी तीनों खुला है। यहाँ पे आपका आर, यहाँ पे आपका वाई, ठीक है, यहाँ पे आपका बी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार का, ये हो गया डेल्टा का। ये डेल्टा का क्या होता है, आपका ऊपर से नीचे एक एक लाइन शॉर्ट होता है। ठीक है, वी से यू का शॉर्ट होता है, डब्ल्यू से वी का शॉर्ट होता है, यू से डब्ल्यू का शॉर्ट होता है। यहाँ पे भी हम लोग ऊपर में भी आर वाई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आर वाई बी केबल लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका थ्री फेज का कनेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल फेज में कैसे यूज करें? ठीक है, सिंगल फेज में यूज करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको सिंगल फेज में क्या ही होता है, आपका एक फेज होता है, आपका एक फेज ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फेज होता है और न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये दोनों पे ही हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर लगा देंगे यहाँ पे आपका जो ये हो गया आपका रिवर्स का है। ठीक हो गया, यह हो गया आपका रिवर्स, जब आप लोग मोटर को एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। ठीक है, ये हो गया रिवर्स, ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। ठीक है, उस टाइम क्या करते हैं, कैपेसिटर, ये हो गया आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर को यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को जोड़ने के बाद ये जो टर्मिनल बच गया, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल देते हैं। ठीक है, तो अभी ये दोनों में जहाँ पे भी आपको फेज ही दे देना है। ठीक है, फेज देने से क्या होगा, आपका मोटर जो सिंगल फेज में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे फेज दे दें। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये आपका सिंगल फेज पे रन करेगा थ्री फेज मोटर। ठीक है, तो ये जो घूमेगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि रिवर्स घूमेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड चला के देखेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड चलाने से आप लोग को ये सब कनेक्शन करना पड़ेगा, जो डेल्टा का कनेक्शन होता है नॉर्मली ऐसे कनेक्शन करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक कैपेसिटर चाहिए आप लोग को, तो मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर दे देता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर देने के बाद ये दोनों में जहाँ में भी आप एक फैच को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फैच, और न्यूट्रल जो है ये जो खाली पॉइंट है यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल ले लेंगे। ये जो होगा ये आपका फॉरवर्ड बेसिक्स में काम करेगा, फॉरवर्ड। ठीक है, और ये होगा आपका क्लॉकवाइज में घूमेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या होता है, आपका जो थ्री फेज मोटर होता है उसको हम लोग सिंगल फेज में यूज करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपका स्टार कनेक्शन होता है वो रिवर्स पे चलता है, और आपका जो डेल्टा कनेक्शन होता है ये फॉरवर्ड पे चलता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये मोटर आप लोग इतना इफेंसी नहीं देगा, मतलब थ्री फेज में जितना ताकत मिलेगा यहाँ पे इतना ताकत नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग कैपेसिटर कैसे चूज करना है मैं वो बता देता हूँ। मान लीजिए आपका, इसको मैं बुझा देता हूँ, कैपेसिटर चूज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपका 1 1 HP का मोटर है। ठीक है, 1 HP का मोटर है, तो हम लोग यहाँ पे 70 माइक्रो फैराड का यूज़ करेंगे, जो कि 230 वोल्ट या 220 वोल्ट AC होना है। ठीक है, सिंगल फेज पे हम लोग 70 माइक्रो फैराड का देंगे। अगर 2 HP हो गया, 2 HP में क्या करेंगे हम लोग, 70 माइक्रो फैराड × 2 यानी कि 140 माइक्रो फैराड का हम लोग कैपेसिटर यूज करेंगे। तो इसी हिसाब से ये मेरा 1 KV है, 1 1 HP का। ठीक है, 1 HP का मैं यहाँ पे कितना लगाऊँ, 70 माइक्रो फैराड का। ठीक है, ये मान लीजिए 2 HP का है, तो यहाँ पे मैं क्या देंगे, 140 माइक्रो फैराड। तो ऐसे ही हिसाब करके क्या करेंगे आप लोग कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर इनकी ज़रूरत होता है तो थ्री फेज मोटर को ऐसे करके आप लोग सिंगल फेज में रनिंग कर पाएंगे। थैंक यू।